नए साल की शुरुआत के साथ ही बस्तर से एक दिल दहला देने वाली हृदय विदारक खबर निकल कर आई। खबर ये थी कि 6 माह की मासूम बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा यह दावा किया जाता है कि नक्सलियों के क्रॉस फायरिंग में 6 माह की मासूम बच्ची की मौत हुई है। वहीं नक्सलियों द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर पुलिस के इन दावों का खंडन करते हुए नक्सली ये आरोप लगाते हैं कि पुलिस की एक तरफा अंधाधुंध फायरिंग में 6 माह की दूध मुही बच्ची की मौत हो गई। तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच मुझको लगा कि क्यों ना ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाए, इन दावों, इन आरोपों, इन प्रत्यारोपों की ज़मीनी पड़ताल की जाए। और इसी ज़मीनी पड़ताल के लिए मैं निकल चुका हूँ दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में किरंदुल की पहाड़ी श्रृंखलाओं में बसे मुदबेंडी गांव के लिए। मुदबेंडी गांव दरअसल गंगालूर थाना क्षेत्र में पड़ता है। जिस जंगल को, जिस इलाके को आप देख रहे हैं, इस इलाके में प्रचुर मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। बच्चली और किरंदुल के इलाके में NMDC के माध्यम से आयरन ओर का खनन चल रहा है और बहुत जल्द इस इलाके में भी आयरन ओर का खनन संभवतः सरकार शुरू कर दे। जिस तेज़ी से इस इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिस तेज़ी से सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, इस इलाके के ग्रामीणों का ये तर्क है कि इस तरह से सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करके और सड़कों का निर्माण कार्य करवा कर इस इलाके में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सरकार करना चाह रही है। इसी मंशा के साथ सरकार इस इलाके में सड़कें बनवा रही है, पुलिस कैंप स्थापित करवा रही है, ये तर्क है ग्रामीणों का। हालांकि सरकार का अपना तर्क है, सरकार कहती है कि इस इलाके में सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ के बासिंदों तक, यहाँ के आदिवासियों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, लिहाजा सड़कें बनवाकर सुरक्षा बल का कैंप स्थापित करके इस इलाके में लोगों तक बुनियादी सुविधाएं, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पहुंचाया जाएगा। अब देखिएगा, सड़क नहीं है, इस तरह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है इसी तरह के पगडंडी और पथरीले रास्तों पे। हालांकि ये जंगल बेहद खूबसूरत है और यहाँ के आदिवासियों को इस बात का डर है कि अब ये जंगल सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सलियों की हुकूमत, नक्सलियों का समानांतर सरकार चलता है इस इलाके में। इस वजह से सड़कें बनवाने के लिए सुरक्षा बल का कैंप स्थापित करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आम तौर पे जब भी माफ़ कीजिएगा, अब देखिए इस इलाके में हम सफ़र कर रहे हैं और यहाँ हमारी जो बाइक का साइलेंसर है, साइलेंसर के नज़दीक जो है ये यहाँ पे बोल जो लगता है नट, संभवतः दिख पा रहा हो, वो निकल चुका है। अब उसके लिए देसी जुगाड़ किया जा रहा है, एक लकड़ी फंसा कर उसे ठीक किया जा रहा है। आसपास कोई गैरेज भी नहीं है, यहाँ किसी तरह से बाइक ख़राब हो जाए, मोटरसाइकिल में कोई ख़राबी आ जाए तो उसका मरम्मत हो ही नहीं सकता, बाइक आपको छोड़ के जाना होगा या फिर धकेल कर ले जाना होगा। तो वापस मुद्दे पर पहुँचते हैं, इस इलाके में लगातार अब जैसे ही सरकार बदली है छत्तीसगढ़ में, एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी तेज़ी आई है और उसके साथ ही सुरक्षा बल के कैंप जो स्थापित किए जा रहे हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। नई सरकार को बने हुए आज से पूरे 3 महीने हुए हैं, मात्र 3 महीने, और इन 3 महीनों में सुकमा और दंतेवाड़ा में 7 कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। अब आप समझिएगा कितनी तेज़ी के साथ सरकार इन इलाकों में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करके इस इलाके में सड़क निर्माण कार्य करवा रही है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खूबसूरत सा जंगल है, ये खूबसूरत सी पहाड़ी जो श्रृंखलाएँ हैं, संभवतः आप वीडियो में नहीं देख पा रहे हों, इन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जंगल इतिहास में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ बड़े बड़े उद्योग और कारखाने स्थापित हो जाएंगे और फिर बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी,
और फिर यहाँ के आदिवासी यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे या फिर उन फैक्ट्री में छोटी मोटी नौकरी करने को मजबूर होंगे। जो आदिवासी इस जमीन, इस जंगल, इन पहाड़ों के इस वक्त मालिक हैं, जिनके पास मालिकान हक है, आने वाले कुछ समय बाद वो इस जगह से विस्थापित हो जाएंगे या फिर जैसा कि मैंने बताया कि उन फैक्ट्रीज में या फिर बड़े उद्योगपतियों के नौकर बन जाएंगे जो इस जंगल के मालिक हैं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने के पीछे मात्र इतना ही था कि आपको इस जंगल की खूबसूरती दिखा दूं, बता दूं कि प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण बस्तर अब धीरे धीरे उद्योगपतियों के हाथों में जाने वाला है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता तबाह होने वाली है, बर्बाद होने वाली है और यहाँ एक नई कहानी रचने की शुरुआत लगभग हो चुकी है। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप इस खूबसूरती को देखिएगा। भले ही सड़क नहीं है मगर ये जंगल आने वाले दिनों में खत्म होने वाले हैं और उस समय बाद इस पगडंडी पे इस पथरीले रास्ते, ये जो पथरीले रास्ते हैं, हाईवे में तब्दील हो जाएंगे और खनन जोरों से इस इलाके में चलेगा। चलिए आपको इस सफर को करीब से दिखाते हैं